नमस्ते सखन सखियो, मैं हूँ तानिया। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का मस्त सालेदार बातचीत शुरू करते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन द लेटेस्ट ट्रेलर ऑफ बीस्ट। आई थिंक आप लोगों ने तो ऑलरेडी जो ट्रेलर है इसको देख लिया। मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ देखना है। और एक बात यह है कि इस मूवी का जो एक सॉन्ग है अरबी कुत्तू, उस सॉन्ग के ऊपर ऑलरेडी मैंने रिएक्ट कर लिया। बहुत मजा आया था उस वीडियो पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पे मैं लिंक डाल रही हूँ, जरूर उसको देख लेना, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ काम तो रह जाता है, वो ये है कि इफ यू हैवंट वॉच द ओरिजिनल वीडियो येट बाय एनी चांस, सो प्लीज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट फर्स्ट एंड कम बैक एंड वॉच माई रिएक्शन। एंड वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ विदाउट एनी मोर टॉकिंग लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस एज ऑलवेज बी रेडी विद योर हेडफोन्स क्योंकि इसके बिना तो मजा ही नहीं आता यार। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। காலையில நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கேன், திடீர்னு 10:30 மணிக்கு ஒரு ஃபோன். மிஸ்டர் மாதவ் சிங், this is to inform you that the East Coast Mall in Chennai has been hijacked. ஆனா இதோட கடுப்பாற விஷயம் என்ன தெரியுமா? இதுல டெரரிஸ்டுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நடுவுல நான் தான் பஞ்சாயத்து பண்ணுமா? இதோட பழைய பில்டிங் கிடைக்கலையா? தும்முனா இடிஞ்சு விழுந்துரும் போல இருக்கு. இல்ல எமர்ஜென்சி ஆபரேஷன் சொன்னாங்க சார். சொன்னாங்களா உன்கிட்ட? ஆனா இந்த பேட் டைம்லயும் ஒரு குட் நியூஸ் இருக்கு. ஹைஜாக் பண்ணப்போ உள்ள ஆக்சிடென்ட்லாம் நம்ம பையன் ஒருத்தன் வந்திருக்கான். நம்ம பையன் உடனே சாதாரணமாக நினச்சிடாது. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் நோட்டோரியஸ் ஸ்பைஸ் வி ஹவ் எவர் ஹேட். இப்படி ஒருத்தன் உள்ள இருக்கும்போது ஆள் ஹைஜாக் பண்ண என்ன ஆகும்? அப்ப வீரா உள்ள அந்த டெரரிஸ்டுங்களை எப்படி ஓட விட்டுருப்பான்? பயமா இருக்கா? இதுக்கப்புறம் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். அவன் இஷ்டத்துக்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு மினிஸ்டர் சொல்றாரு, மிரட்டி சொல்லியா சார்? அவன்கிட்ட மினிஸ்டர் மிரட்டினாருன்னா சொன்ன அப்புறம் உங்க பொண்ணு பொண்டாட்டி அவனே கொண்டுட்டு டெரரிஸ்ட் பண்ண மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிருவான் சார். இருந்தாலும் நீங்க பண்ற இந்த அரசியல் விளையாட்டெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது. நான் சொல்றேன்ல, இஸ் எ ஃபக்கிங் பீஸ்ட். Cuz I'm not a politician. I'm a soldier. On 13th April? Okay, so ये movie आने वाला है 13th April को and KGF chapter 2 जो है वो आने वाला है 14th April को। तो 13th and 14th तो मतलब एकदम जबरदस्त होने वाला है। एंड आई नो कि आप लोग तो जाओगे मूवी देखने, दोनों में से एक तो देखोगे ही, है ना। और पता नहीं मैं क्या करूँगी, मुझे देखने का बहुत मन है यार। मतलब ट्रेलर ऐसा है ना, देख के लग रहा है कि अभी कोई मुझे फिल्म दिखा देना तो मज़ा आ जाता है ऐसा। तो गाइस वीडियो के बारे में क्या बताओ, हर एक शॉट लाइक एकदम फुल ऑन एक्शन वाला मूवी होने वाला है। यू नो हम लोग जब अरबी कुत्तू जो सॉन्ग है उसको देखा था ना, तो उसको देख के ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लाइक जो टोटल दिखाया, आई थिंक कि वो एक हाईजैक्ड मतलब एक मॉल जो है
उसको हाईजैक कर लिया गया एंड उसके ऊपर ही सब कुछ मूवी में है। तो मतलब इतना फायरिंग एंड इतना कुछ है वीडियो पे, लाइक माय गॉड, गाने को देख के लगा ही नहीं था कि मूवी में ऐसा कुछ होने वाला है। दैट्स वाई मूवी का जो टाइटल है वो है बीस्ट। सो या आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि क्यों इस मूवी का टाइटल बीस्ट है ट्रेलर देखने के बाद। और एक एक बैकग्राउंड वाला सॉन्ग चल रहा था, लीनर स्ट्रॉन्गर ऐसा वाला कुछ, वो भी बहुत सही लग रहा था। एंड थलापति विजय यार, मतलब क्या बताओ, जो लुक्स हैं ना इनके जस्ट ऑसम। और उसके साथ साथ जो डायलॉग्स है, वैसे तो पूजा हेगड़े को ज़्यादा नहीं दिखाया गया है इस ट्रेलर पे, आई थिंक कि बाद में हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन इसमें बहुत ही छोटा वाला एक रोल दिखाया गया। और एकदम फर्स्ट में जो था कि जैसे मॉल को हाईजैक कर लिया गया ना, वो बहुत ही डरावना है यार, लाइक सीरियसली। बट या आई हैव एंजॉयड दिस ट्रेलर यार, मुझे दोबारा देखने का मन कर रहा है। और जी हाँ, ये जो लैंग्वेज में पहले था, लाइक कुछ कुछ लाइंस वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश लाइंस था तो उसको मैंने देख लिया, दैट्स वाई मुझे समझ में आया। लेकिन जो दूसरा जो लैंग्वेज है उसको तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही मतलब कॉमन है क्योंकि इतना लैंग्वेज मुझे नहीं आती। बट या वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है। और वैसे मैं मूवी देखने जाऊंगी भी, तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। बट कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को कैसे लगा ट्रेलर। एंड आप लोगों में से कुछ लोग मुझे बहुत कमेंट कर रहे थे कि बेस्ट मूवी का जो ट्रेलर आया है उसके ऊपर रिएक्ट करो, उसके ऊपर रिएक्ट करो। इवन ट्रेलर आने से पहले ही, मतलब जब मैं लाइव आई थी तब भी लोगों का कमेंट आ रहा था कि बेस्ट मूवी के ऊपर जो मतलब ट्रेलर आ रहा है उसके ऊपर रिएक्ट करो। सो आई डिड इट एंड बहुत मज़ा आया गाइस। और मैंने आपको कहा था कि जो लॉकअप के ऊपर रोस्ट वीडियो है वो नेक्स्ट वाला आएगा, लेकिन एडिटिंग की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया। सो थोड़ा मैनेज कर लेना, अभी इसको इंजॉय करो एंड आई होप यू इंजॉयड। एंड इफ़ यू डिड तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। उस पर गोला फेंक के मारो या फिर कुछ भी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पता है ना किसका डायलॉग होता है ऐसा, तो आई नो आप लोगों को पता है, कमेंट में लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है, आई नो दैट। सो ट्रेलर बहुत बढ़िया था एकदम। 13th और 14th फुल ऑन एक्शन वाला दो मूवी आने वाला है, एक है बीस्ट और दूसरा दिन है KGF चैप्टर 2। सो मतलब धमाका होने वाला है सच में गाइस। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई हैव एंजॉयड। एंड आप लोग जो सोचते हो ट्रेलर के बारे में, आप लोगों को कैसा लगा, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे तो वो मतलब जब फायरिंग कर रहे थे ना प्लेन से, तो वो वाला जो सीन था ना पानी के ऊपर से गया, कुछ शॉट्स वगैरह, वो बहुत बढ़िया लगा सबसे ज़्यादा। एंड उसके साथ साथ थलापति विजय का जो डायलॉग्स है वो तो बढ़िया है ही। सो या आप लोग भी बताना कमेंट में ज़रूर कि आप लोगों को कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।